एमपी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में हीट वेव के कहर से जनता परेशान है। पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 46.3 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में तापमान दर्ज किया गया है। इस बीच आज से नौतपा भी शुरू हो गया है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 9 दिन भीषण गर्मी रहेगी। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में नौतपा का जमकर तप रहा है। 31 मई तक ग्वालियर, चंबल और मालवा, निमाड़ में भीषण गर्मी का अलर्ट है। अभी जो है पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान प्रदेश का जो रतलाम जिले में 46.2 दर्ज किया गया है, और भोपाल का जो तापमान है वो कल 43.7 दर्ज किया गया है। तो अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से एक साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक अपर या सहिसर है, वहाँ से एक ट्रफ निकलते हुए छत्तीसगढ़ तक जा रहा है एमपी को क्रॉस करता हुआ, तथा एक नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर भी एक अपर या सहिसर है। इसके कारण प्रदेश के आप यहाँ देख सकते हैं बालाघाट और मंडला, डिंडोरी इन स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है तेज हवा के साथ। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, गर्म हवा चलेंगी। वेस्ट एमपी के लिए हमने जो है सीवियर हीट वेव का फोरकास्ट किया है। पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे रतलाम, मंदसौर, आगर, शाजापुर और ईस्ट एमपी में छतरपुर और निवाड़ी। बाकी जो वेस्ट एमपी का पार्ट है, जो खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इन स्थानों पर नीमच, मंदसौर, शिवपुरकला, गुना, अशोकनगर, इधर पर हीट वेव की हमने फोरकास्ट किया है अगले 24 घंटे के लिए। पूरी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42-43 के आसपास बना रहेगा, बट हीट वेव के हमने वहाँ पर अभी फोरकास्ट नहीं।